काफी दुर्गम रास्ता है और हम नंगे पैर चल रहे हैं इस समय। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूंगा जिसका संबंध महाभारत काल से है। ये जगह जहां मैं रहता हूँ वहां से 60 किलोमीटर दूर है और वो जगह है पांडुपोल अलवर राजस्थान की। जगह दूर तो है पर वो ट्रिप बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों अब लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता बाकी है और यहाँ से हम टिकट लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट लिस्ट भी लगी हुई है और समय भी बता रखा है कि सुबह 8 से शाम 3 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हो, उसके बाद ये जगह बंद हो जाती है। दो मोटरसाइकिल है ना। अरे कहाँ गए ये लोग, मुझे तो देख ही नहीं रहे। लो बताओ, मैं इनका यहाँ वेट कर रहा हूँ और मुझे छोड़ के वहां चले गए। मैं तो आपका वहां वेट कर रहा था। पहले पांडुपोल तो चले, मंदिर के दर्शन करने के लिए कौन से पैसे दे रहे हैं? हाँ हाँ, पहले नहीं होता था यार ये मेरे हिसाब से। इतना दे इतना तो हमें नहीं दिया भगवान। मूड खराब हो गया पैसे का भाई, कर देंगे। इनको दिखानी पड़ेगी क्या? हाँ ये अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, बस 11 किलोमीटर और है। भालू विचरण क्षेत्र, सतर्क रहे। चलो अब बस थोड़ा सा ही बाकी पर हम फाइनली पहले नहीं बता पहुंच गए। 22 किलोमीटर पड़ता है आप देख सकते हैं हमारे धूल से भरे चेहरे। धूल से भरा तो चेहरा दिखाओ तो सही, धूल से भरा हुआ सही है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। आप भीड़ तो बहुत ही आती है, यहाँ से प्रसाद पाते हैं। अभी यही धो लेते हैं अपन भी वो। जय श्री राम। ये है मंदिर की भी सीढ़ियां। जूते चप्पल थोड़ा देख के खोलना, क्या पता मिक्स हो जाए।
भीम पोल है वो कहाँ पे है? वो पीछे साइड में है। अच्छा इस तरफ। हाँ। अभी अपन चलेंगे ना इस तरफ आएगी भीम पोल। हाँ, अभी ओके। यही वो जगह है जहाँ पे हनुमान जी ने भीम का मन तोड़ा था। अभी हम ऊपर चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति विराम अवस्था में है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हनुमान जी को यहाँ मिले थे तो वो विराम अवस्था में ही थे। आपने महाभारत सीरियल में भी देखा होगा और इसीलिए भीम को उनका घमंड तोड़ना था, इसलिए उन्होंने अपनी पूंछ फैला रखी थी और उनसे कहा था कि भाई मैं तो एक वृद्ध हूँ, आप अगर मेरी पूंछ हटा सको तो हटा लो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जगह और ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके पार्ट टू में हम चलेंगे उस जगह जहाँ पे भीम ने गदा मार के पहाड़ से रास्ता बनाया। तो बने रहिए, मैं जल्दी व्लॉग 2 अपलोड करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट, आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।